अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे हैं बेकिंग की एपिसोड नंबर 3 और मैं बनाऊंगी 3 कप मैदे से 2 जबरदस्त किस्म के पिज्जे। एक मीडियम पिज्जा बनाएंगे और एक स्मॉल बनाएंगे। जो स्मॉल है वो 10 इंचेस का है और मीडियम 12 इंचेस का होगा। आज मेरे पास 2 पिज्जे के ऑर्डर आए थे और घर के बहुत सारे काम भी पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चले आप लोगों के लिए वीडियो भी बना लूं और काम तो बाद में होते ही रहेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे एक बाउल लेंगे, इसमें मैं 3 कप मैदा शामिल करूंगी। सबसे पहले हम लोग इसको छान लेंगे और घर का जो नॉर्मल कप होता है उसी से ही हम लोग इसकी मेजरमेंट करेंगे। 3 कप मैदे के हो गए हैं, अब हम लोग इसमें 1 चम्मच चीनी का शामिल कर देंगे। घर का जो चम्मच होता है उसी से ही हम मेयरिंग करते रहेंगे। इसके बाद हम लोग 2 चुटकी नमक का शामिल कर देंगे और इसके बाद हम लोग इसमें ईस्ट 1 चम्मच शामिल कर देंगे। इससे जो डो है हमारी वो बहुत अच्छे से राइज हो जाएगी। और इसके बाद हम लोग शामिल करेंगे डो को नरम करने के लिए 2 चम्मच का ऑयल का हम लोग इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही जबरदस्त हमारी जो डो है वो सॉफ्ट सी रेडी हो जाएगी। इन तमाम चीजों को हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। और आप लोगों को एक मेन बात बतानी है कि कुछ लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, उनका मेथड गलत हो जाता है और वो कहते हैं हमारी जो डो है वो अच्छे से राइज नहीं हुई, हमारा जो पिज्जा है वो नीचे लग के जल जाता है। तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करें, इसलिए आप लोग को कम्प्लीट मेथड पता चल सके। अब यहाँ पे मैं नीम गर्म दूध लूंगी और हम जो डो है वो दूध से इसको गूंदेंगे। इससे जो डो है वो बहुत जबरदस्त इसका टेस्ट आएगा। और थोड़ा थोड़ा जो दूध है वो इसमें शामिल करूंगी मैं, एकदम से ज्यादा नहीं डाल देना, इससे हमारी जो डो है वो बिल्कुल पतली हो जाएगी। और आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेकिंग की तमाम क्लासेस जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। ये देखें हमारी जो डो है, मैंने तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं मेरी डो को गूंदते हुए। अच्छे तरीके से हम लोग जब डो को गूंदेंगे तो हमारा जो पिज्जा है वो बहुत सॉफ्ट सा रेडी होगा। ये देखें पेड़ा कितना जबरदस्त सॉफ्ट सा रेडी हो गया है। अब मैं इसको कवर करके रखूंगी। सबसे पहले इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे। और इसको हम लोगों ने ऐसे बर्तन में कवर करना है जिससे एयर पास ना हो। ये देखिए मेरा जो बाउल था उससे एयर पास नहीं होगी, तो मैंने इसको कवर करके 1 घंटे के लिए रख दिया है। डो को 1 घंटा राइज होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल का शामिल कर दिया है। थोड़ी देर इसको पहले गर्म कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें 150 ग्राम चिकन का शामिल कर दूंगी। छोटे छोटे हम लोग इसको क्यूब्स वाइज में बना लेंगे और इसको हम लोग व्हाइट होने तक अच्छे तरीके से भून लेंगे। और ये देखिए हमारा जो चिकन है वो व्हाइट हो गया है। और इसके बाद हम लोग इसमें स्पाइसी शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच तिक्के मसाले का शामिल किया है, 1/2 चम्मच इसमें लाल मिर्च का शामिल किया है, 1/2 चम्मच ही हम लोग इसमें चिली फ्लेक्स का शामिल कर देंगे और 1/4 नमक का शामिल कर देंगे। और जो मेरी कस्टमर थी वो कह रही थी मुझे थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए, इसलिए मैं थोड़े स्पाइसेस जो है वो ज्यादा शामिल करूंगी। और इसके बाद हम लोग इसमें जरदार रंग का शामिल कर देंगे, इससे जो कलर है वो बहुत ही जबरदस्त होगा और पिज्जे में नुमाया होगा। अब इन तमाम चीजों को 5 मिनट अच्छे तरीके से हम लोग पका लेंगे ताकि इन तमाम स्पाइसेस का कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। इसके बाद हम लोग सॉसेज शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसमें सिरके का शामिल कर देंगे और 1 चम्मच इसमें चिली सॉस का शामिल करेंगे और 1 ही चम्मच हम लोग इसमें सोया सॉस का शामिल कर देंगे। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम लोगों ने जिसका पानी है उसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। और हमारे जो चिकन भी है वो अच्छे से गल गया है। ये देखे चिकन जो है वो फुली रेडी हो गया है, जितने भी स्पाइसेस थे वो चिकन के ऊपर अच्छे से लग गए हैं और स्पाइसी चिकन टिक्का रेडी हो गया है। यहाँ पे डो को राइज हुए 1 घंटा हो गया है, जबरदस्ती हमारी जो डो है वो राइज हो गई है। इसको पंच करेंगे ताकि इसकी जो एयर है वो अच्छे से निकल जाए और इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। ये देखे कितनी जबरदस्त हमारी जो डो है वो राइज हो गई है। और इसके बाद मैं मीडियम पिज्जा लूंगी। मीडियम पिज्जे की जो डो है वो मैंने उसका वेट जो है वो 250 ग्राम का लिया है। और इसके बाद हम लोग इसको मैदे से डस्ट कर लेंगे और इसको पहले हाथों की मदद से हम लोग सेट करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको बेल लेंगे। बेलना हम लोगों ने इसको बिल्कुल बारीक नहीं, पहले हम लोग इसके दरमियान से इसको जो इसकी मोटाई है वो साइडों तक ले जाएंगे ताकि हमारे जो एजेस हैं वो अच्छे से कवर हो जाएं। यहाँ पे मैं मीडियम पिज्जा पैन लूंगी, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट कर लेंगे ताकि जो हमारा पिज्जा है वो नीचे ना चिपके, और इसको अच्छे तरीके से सेट करेंगे। यहाँ पे जो मैंने डो को बेल लिया था उसको पिज्जा पैन में रखेंगे और हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से एजेस तक सेट कर लेंगे। ये देखें तो डो जो है वो अच्छे तरीके से सेट हो गई है। अब इसके बाद फिंगर की मदद से हम लोग इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको हम लोग सेट करेंगे। ये सेम हमारे बाजार जैसे पिज्जा की जो है वो लुक देगा। ये देखें बहुत जबरदस्त हमारी जो डो है वो साइडों से रेडी हो गया है। मैं पिज्जा पैन में सेट करने के बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए राइज होने के लिए रख दिया था, इससे हमारी जो डो है वो बहुत जबरदस्त सी राइज हो जाएगी। अब फोक की मदद से मैं इसमें सुराख कर लूंगी ताकि हमारा जो पिज्जा है वो अच्छे तरीके से बेक हो सके। और जो मीडियम पिज्जा है उसका 250 ग्राम वेट है और जो स्मॉल है उसका 150 ग्राम होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लगा ली है पिज्जा सॉस। अगर आप लोगों के पास पिज्जा सॉस नहीं है तो आप लोग इस पर चिली गार्लिक भी लगा सकती हैं। अब हम लोग इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे।
ये देखिए तो हमारी दोनों जो पिज्जा है उस पर स्प्रेड हो गई है। इसके बाद मैं इस पर चैटर चीज लगा दूंगी। इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही कमाल का आता है। फर्स्ट लेयर हम लोग चैटर चीज की लगा देंगे और इसके बाद हम लोग इस पर वेजिटेबल्स डालेंगे। यहाँ पे मैंने कैप्सिकम शामिल कर रही हूँ और मैंने इसको क्यूब्स वाइज में कट किया है और इससे जबरदस्त हमारा जो है टेस्ट आएगा पिज्जे में। इस दौरान अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके बाद मैं इस पर टमाटर लगा दूंगी। जिस शेप में हम लोगों ने चीजें कट की थी उसी शेप में हम लोग तमाम चीजें जो है वो कट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इस पर अनियन लगा देंगे। अनियन को भी ब्रीक कट करके इसके ऊपर लगा देंगे। इन तमाम वेजिटेबल का टेस्ट बहुत कमाल का आता है। इसके बाद हम लोगों ने जो टिक्का मोटी जो हम लोगों ने बनाई थी वो इस पर लगा देंगे। बहुत ही कमाल का हमारा आज का जो पिज्जा है वो रेडी होने वाला है और दूसरे पे भी हम लोग इसी तरह तमाम चीजें लगाएंगे जिस तरह हम लोगों ने मीडियम पिज्जे पे लगाई है। इसके बाद मैं मोजरीला पिज्जा चीज इस पर शामिल कर दूंगी। दोनों चीज जब इस पर शामिल होंगे तो इनका टेस्ट जो है वो बहुत ही जबरदस्त आएगा। चीज को सबसे पहले मैंने अच्छे तरीके से क्रश कर लिया था और इसके ऊपर वाली जो लेयर है हम लोग इसको अच्छे तरीके से चीज से फिल कर देंगे। इसका जो टेस्ट है वो बहुत जबरदस्त आएगा। चीज थोड़ी एक्सपेंसिव जरूर है लेकिन मैं आप लोगों के लिए चीज की एक जबरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आऊंगी और आप लोगों को बगैर चीज के भी एक पिज्जा बनाने का तरीका बताऊंगी। दोनों पिज्जा पर हमारी जो चीज है वो लग गई है और इसके बाद मैं इसके ऊपर ऑरिगेनो जो है वो लगा दूंगी। इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही कमाल का आएगा। और इसके बाद थोड़ा सा और स्पाइसी करने के लिए मैंने इस पर थोड़े से चिली फ्लेक्स जो है वो मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिए हैं। थोड़ा सा मेरे जो कस्टमर थी उसने कहा था कि जो पिज्जा है वो थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए, इसलिए मैंने इसके ऊपर दोबारा से चिली फ्लेक्स जो है वो लगा दी है। ये देखें जो पिज्जा है उनकी टॉपिंग जो है वो फुली रेडी हो गई है दोनों की। इसके बाद मैंने पतीली को 10 से 15 मिनट पहले प्री हीट करके रख दिया था। इसको करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे इस पतीले में मैं मीडियम पिज्जे को रखूंगी और इसको अच्छे से कवर करेंगे ताकि इसके अंदर जो हीट बनेगी वो कहीं से क्रॉस ना हो। अब दूसरी पतीले में मैं जो स्मॉल पिज्जा था उसको रख दूंगी ताकि हमारा एक ही टाइम में दोनों जो पिज्जे हैं वो रेडी हो जाएंगे। इसको मैं तकरीबन 30 से 35 मिनट बेक होने के लिए रख दूंगी लो फ्लेम पर। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे पिज्जे की लुक देखें कितनी जबरदस्त आ रही है और इसकी खुशबू भी बहुत ही कमाल की आ रही थी। अब दूसरा जो पिज्जा है उसको भी चेक करते हैं। माशाल्लाह हमारे दोनों पिज्जे रेडी हो गए हैं और इनकी खुशबू और लुक बहुत ही जबरदस्त आ रही थी और मेरे कस्टमर जो है वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हुए थे जब उन्होंने ये पिज्जा खाया था। उनको मेरा पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद आया था। यहाँ पे कस्टमर को दिया हुआ टाइम जो था वो कम्प्लीट हो गया था और मैं जल्दी जल्दी काम को निपटा रही थी और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कस्टमर को वेट करवाऊँ और मैंने जल्दी जल्दी से कट किया और आप उनको अच्छे तरीके से मैं इसकी वीडियो बनाकर नहीं दिखा सकी। यहाँ पे मैंने डिब्बे में इसको पैक कर लिया।